श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं, जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ाने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है? नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में न धकेल दे, वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, वो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही निर्णय कैसे लें? जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं, तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुख भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।